इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मुंबई में कूपर हॉस्पिटल के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। कूपर हॉस्पिटल के बाहर क्या स्थिति है बता रहे हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य। इस वक्त हमें कूपर अस्पताल के मॉर्चरी के बाहर अब से कुछ ही देर बाद सिद्धार्थ शुक्ला के परिजन इस मॉर्चरी में पहुंचेंगे। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सिद्धार्थ का डेथ सर्टिफिकेट उनके परिजनों को दे दिया जाएगा और उसके बाद सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को लेकर उनके परिजन यहां से निकलेंगे। क्योंकि सिद्धार्थ बहुत बड़े एक्टर थे, उनके कई सारे चाहने वाले आज गम हैं, ऐसे में वो यहां पर इकट्ठा हो सकते हैं सिद्धार्थ को आखिरी विदाई देने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया है। साथ ही में इस पूरे परिसर में किसी भी बाहरी गाड़ी को आने नहीं दिया जाएगा। साथ ही में अन्य लोग भी जो है इस इलाके में, ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ पर, उन्हें आने की इजाज़त नहीं होगी। जैसे ही सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर यहाँ से निकलेगा, पुलिस की सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उनके इस मॉर्चरी से उनके घर तक सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर पहुँचेगा। ब्रह्म कुमारी समाज से सिद्धार्थ का परिवार जुड़ा हुआ था, ऐसे में ब्रह्म कुमारी समाज के वरिष्ठ गुरु तपस्वी बेन ने हमें बताया कि किस तरह से जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो अंतिम संस्कार के पहले कौन कौन सी विधियां की जाएगी। ब्रह्म कुमारी समाज के मुताबिक जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पर रखा जाएगा तमाम परिवार के लोग इकट्ठा होंगे। उसके बाद ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़ी हुई जो महिलाएँ हैं वो वहाँ पर आएंगी। साथ ही में सबसे पहले ओम ध्वनि का उच्चारण किया जाएगा, इसके अलावा तिलक लगाया जाएगा, सफ़ेद कपड़े में सिद्धार्थ को लपेटा जाएगा। साथ ही में उनके परिजनों को करीब 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन की जाएगी। साथ ही में सिद्धार्थ को किस तरह से उनकी आत्मा जो है अब इस शरीर को त्याग रही है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है वो तमाम लोगों को हमेशा याद रहेंगे, इस तरह की जानकारी जो है वो ब्रह्म कुमारी समाज द्वारा दी जाएगी। किसी भी पल अब से सिद्धार्थ के परिजन, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंचे, साथ ही में उनके जो बहनों ही हैं वो लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।